अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं स्कूल से डॉट कॉम का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 92K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके हैं। इसमें जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे चल के, और इनकी प्राइस अपडेट भी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलते हैं जी आज की 92K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसके कंपोनेंट के बारे में सबसे पहले आपको बताता चलूं तो इसमें जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो i5 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ जो हम मदरबोर्ड यूज़ करेंगे वो H110 मदरबोर्ड यूज़ करेंगे 1 GB का 2 RAM स्लॉट में। और इसमें जो है वो आप i7 जनरेशन तक का भी प्रोसेसर जो है वो लगा सकते हैं। इस पे 4 SATA ऑप्शन है, 4 SATA ड्राइव्स आप इसके साथ जो है वो लगा सकते हैं। इसके अंदर जो हम रैम यूज़ कर रहे हैं वो 8 GB की सिंगल रैम हम यूज़ कर रहे हैं DDR4 में। इसमें DDR4 रैम सपोर्टेड है तो हम 8 GB सिंगल रैम इसके साथ जो वो लगा रहे हैं 2666 MHz वाली। अब आते हैं जी इसकी SSD की तरफ। जो इसमें हम SSD यूज़ कर रहे हैं वो XR की 128 GB SSD यूज़ कर रहे हैं 3 ईयर वारंटी के साथ, बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक की SSD जो है वो आपको मिलेगी। और इसके साथ जो हम HDD यूज़ करेंगे क्योंकि हमने 92 के बजट का PC बनाना है, तो 92 के बजट में हमने इसमें 500 GB HDD रखी है। इसमें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप HDD भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके साथ जो है 500 GB की HDD साथ रखी है 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली। और अब आते हैं जी इसकी PSU की तरफ। इसमें जो हम PSU यूज़ कर रहे हैं 500 W की 80+ ब्रॉन्ज में Antec की पावर सप्लाई इसके साथ यूज़ करेंगे। और इसके साथ जो हम केस यूज़ करेंगे वो थंडर का Spec 09 गेमिंग केस इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। इसमें एक RGB फैन बैक साइड पे और फ्रंट पे इसकी RGB स्टिप और साइड इसका जो है वो टेम्पर्ड ग्लास है, बिल्कुल न्यू में ये गेमिंग केस थंडर का आपको इसके साथ मिलेगा। अब आते हैं जी इसके ग्राफिक कार्ड की तरफ। इसमें जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे वो GIGABYTE का GTX 1080 8 GB 256 bit ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। 3 फैन वाला बैक प्लेटेड ग्राफिक कार्ड है और ये 10x10 कंडीशन के साथ आपको मिलेगा। इसकी मार्केट प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा और जिस प्राइस पे हम इस बिल्ड के साथ लगा रहे हैं वो प्राइस भी आपको जो है वो बताऊंगा। तो ये थी 92 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है। अब इनकी प्राइस अपडेट आपको देता चलूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। इसके अंदर जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं i5 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मार्केट प्राइस तकरीबन जो है वो 14,000 से 15,000 के दरमियान है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है वो 13,000 रुपये में यूज़ करेंगे i5 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके H110 मदरबोर्ड की। जो GIGABYTE का 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं, इसकी मार्केट प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं 9,000 है, लेकिन हम 8,000 में इस बिल्ड के साथ जो वो यूज़ करेंगे। अब आते हैं जी इसकी रैम की तरफ। जो इसमें हम रैम यूज़ करेंगे DDR4 में 8 GB की सिंगल स्टिक हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं DDR4 8 GB 2666 MHz वाली। इसकी मार्केट प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं तो वो 5,500 है, लेकिन हम 5,000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। अब आते हैं जी इसकी SSD की तरफ। इसमें जो हम SSD यूज़ कर रहे हैं 128 GB की SSD इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे XR की, ये 3 ईयर वारंटी के साथ आपको मिलेगी। 3,500 मार्केट प्राइस है, लेकिन हम 3,000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो आपको लगा के देंगे। अब आते हैं जी इसकी HDD की तरफ। जो इसमें हम HDD यूज़ कर रहे हैं 500 GB HDD यूज़ करेंगे 100% हेल्थ वाली और 7200 RPM वाली। इसकी मार्केट प्राइस 2200 है, लेकिन हम 2000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। अब आते हैं जी इसकी जो PSU है वो Antec की 80+ ब्रॉन्ज में हम 500 W की PSU इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। 4500 मार्केट प्राइस है, लेकिन हम 4000 में इस बिल्ड के साथ जो वो आपको लगा के दे रहे हैं। अब आते हैं जी इसके ग्राफिक कार्ड की तरफ। जो इसमें हम ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो GTX 1080 8 GB 256 bit GIGABYTE का 3 फैन में ग्राफिक कार्ड हम यूज़ करेंगे। बैक प्लेटेड ये ग्राफिक कार्ड है, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 50,000 है, लेकिन हम 48,000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो लगा के दे रहे हैं। 2,000 का हम आपको मजीद इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसके साथ जो हम केस यूज़ कर रहे हैं थंडर का Spec 09 गेमिंग केस इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। RGB लाइटिंग वाला केस है ये, आप इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल करके आप इसकी स्पेसिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। और ये गेमिंग केस इस वक्त मार्केट प्राइस इसकी 10,000+ है, लेकिन हम 9,500 में इस बिल्ड के साथ जो वो आपको लगा के दे रहे हैं। इसमें मजीद हम आपको 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये टोटल बिल जो है वो 92,500 में बन रही है, लेकिन हम 92,000 में आपको ये जो है वो बिल बना के दे रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी वारंटी की। तो सारे कंपोनेंट जो हमने यूज़ किए हैं इसमें इनकी 1 मंथ आपको वारंटी मिलेगी, जिसमें डेड और बर्न वारंटी इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा जो इसमें हमने SSD यूज़ की उसकी आपको 3 ईयर वारंटी मिलेगी, जिसमें डेड और बर्न भी है। आपको SSD जो 3 ईयर के अंदर अंदर आप चेंज या एक्सचेंज करवा सकते हैं हमसे। बाकी कंपोनेंट्स की जो है इसमें डेड और बर्न के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की वारंटी आपको मिलेगी।
जो आप जो है विद इन वन मंथ हमसे क्लेम कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी शिपिंग की, तो ये पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्री शिपिंग है इसकी। आप किसी भी सिटी में किसी भी जगह पे हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन आपने इसकी शिपिंग कॉस्ट पे नहीं करनी। शिपिंग कॉस्ट भी जो भी आएगी वो हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट होगा। आपने जस्ट अपने जो कंपोनेंट आपने बाय करने हैं हमसे, उसकी जो है आपने कॉस्ट पे करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये बिल्ड बाय करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई बिल्ड या कोई ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.skulsa.com को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फिजिकल स्टोर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आपको ये बिल्ड पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसके नीचे ज़रूर कमेंट करना है। और इस तरह का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। मुझे नहीं, इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।